पैसा 20 लाख के पास नहीं है, 10 लाख तक भेज सो लोग हैं। और एक आर्मी में हुआ ओएलएक्स का बता रहा हूँ, आर्मी ऑफिसर का वो बुलेट भेज रहा है सस्ता में 40,000 रुपया। मैम इसमें है क्या शर्मिंदा से, नहीं तो अपने पागलपन दूसरे लोगों को मालूम होते अपना पागलपन है दूसरे तो मालूम होते क्या बोलते भी अपन कहीं तो आगे वाले के सामने मैं पागल हो तो कहीं तो समझाने के वास्ते आप नहीं बताते, अगर उस वास्ते आप आगे आके आप लोग समझोगे वैसा अपने मेहनत को आप भरोसा करो, टुकड़ में आ रहे बोलते कुछ भी नहीं और जो देखता है उसको यकीनत करो। 2 दिन में आता दूर आपका पैसा मेरे मिले ही नहीं है फिर कैसा, और एक बार डालो 8,000 अगर दोबारा है तो मैं बेचता हूँ फिर एक 8,000 डाला फिर वाले अरे 8,000 ये भी नहीं आए 16,000 ऐसा ऐसा 40,000 को उन्होंने 60,000 भेजे है अपने मोहल्ले में, गाड़ी नहीं आए कुछ नहीं 40,000 गाड़ी खरीदने के वास्ते 60,000 रुपया उन्होंने खो गया। ये लॉटरी नहीं है वैसा चीज नहीं है, बहुत लोगों दिमाग सड़ा हुआ लोग हैं ये व्हाट्सएप में, अपन उसके जाल में फंस गया अपन भी सड़ गया। अभी ये भाई साहब बोले है ये गलत यही बोल रहा हूँ न्यूड हम नहीं बता सकते थे मगर इन्होंने बता दिया और जरा फोन करके अभी इनका बीवी को बोले समझो अब क्या कर रहे हैं क्या है कौन है ये बोल के जब ब्लैकमेल शुरू करके लाखों रुपए खींचो से अगर ये जाल में रिक्शा आदमी पकड़ गया उन्होंने देखता अपन 10,000 बोले कितना देर में आया जट आ गए वो इनके पास पैसा है और किससे रहते स्वास्थ्य समझिए ऐसा मैसेज है इसको बिलीव मत करिए, अगर कुछ करना है कुछ जाओ सीखो तो देखो अगर सही है टीवी रिपेयर करने के वास्ते अपने हर आदमी कहीं जाता नहीं है मगर वेबसाइट में जाए सैमसंग वेबसाइट में गए तो टीवी रिपेयरर बोलते ढूंढो मत बहुत लोग आते सैमसंग में जाना सैमसंग में सर्विस नंबर रहता वो लेना कस्टमर केयर का सिर्फ सैमसंग कस्टमर केयर वो तो अलग आता मगर वैसा नहीं लेना उसमें थोड़ा गलत रहता उन लोगों का रजिस्ट्रेशन में सैमसंग कस्टमर केयर का थोड़ा गलत रख के अपने मालूम नहीं वही देखते सैमसंग कस्टमर केयर नंबर मिलाते ओके हमारा आदमी आ रहा 2 घंटे में आता 3 घंटे में आता चलो 500 रुपये डालो 200 डालो नहीं आया बोलता फिर कभी कभी ऐसा OTP दे बोलते अपना OTP दिया पैसे गया अकाउंट खाली हो गया कभी भी OTP किसी को भी नहीं देना कौन सी वे में कोई नहीं पूछता ATM कार्ड का नंबर आधार नंबर पीछे जो नंबर रहता ना वो नंबर बैंक का जो भी बैंक से फोन करके कोई भी नहीं पूछता कोई भी बैंक वाला तुम्हारा नंबर क्या है तुम्हारा आधार कार्ड क्या है ATM कार्ड का नंबर क्या है अभी जो मैसेज आता है मैसेज में जो आया वो नंबर कोई भी नहीं पूछा ऐसा पूछे तो उन्हें चोर बोल के समझना समझ गया अपन क्या है सुबह से उठ के शाम तक इतने हाँ अपना पूरा मेहनत करके उन्हें 2 मिनट में ख़त्म करता उन्हें बोलता अरे तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जा रहे तुम्हारा थोड़ा अपडेट करना है तुम्हारा वो बोलो ये बोलो बोलता 2 मिनट में आपका पूरा डिटेल्स ले लेता पूरा जितना पैसा उतना खा लेता हूँ समझ गया एक ही है कोई भी फोन करे समझो बैंक का अकाउंट के बारे में सोचना आप चोरी से किसी को देना भी नहीं आपको जो भी जरूरत है आपको जो भी डाउट आया नजदीक जो भी बैंक है ना बैंक में जाके ये क्या है वो क्या बोल के पूछना समझ गया किसी को भी कोई अननोन आदमी अनजान आदमी को फोन पे तुम्हारा बैंक के बारे में नहीं तो तुम्हारा जो पर्सनल भी रहता ना तुम्हारा नाम क्या है सन ऑफ क्या है पूरा ये भी नहीं बोलना समझ गया आजकल क्या है कोई भी इससे पहले के जैसा रात में आके घर फोड़ के चोरी नहीं कर रहे खाली उनका जगह पे रहता आपको थोड़ा जो वो करता समझ गया ये देख लेना क्यों बोलते यही अपना पारदीवाड़े से कम 5-6 पिटिशन है समझ गया किसी को भी नहीं देना फोन से कोई भी उन्होंने करके ये लिंक ओपन करो बोलता जरूरत नहीं क्या जरूरत है अपने अपना काम अपने को है वो बोलता ये ब्लू कलर लिंक ओपन करो ये डालो वो डालो समझ गया मतलब
चार मीनार अब्दुल बहादुरपुरा ये बात तय हो रही है। ये पारदीवाड़ा में यहाँ के लोगों को ये साइबर क्राइम जैसा हो रहा है वैसा उसका जाल में फोन से मैसेजेस आके उन लोगों को फंसा के उनका पैसा खींच रहा है, वो समझाया। उसके बाद में ये पुलिस का तरफ से ये साउथ जोन एरिया में जो जाब मेला ये महीने में कर रहा है उसके बारे में उन लोगों को इत्तला दी है। और ये महीने 20 तारीख को महिला पुलिस स्टेशन में मेला मिनी जाब मेला जो रख रहा है उसके बारे में बताया। और यहाँ ऐसो पड़े सो औरतों को और बच्चियों को वो जाब मेला का में पार्टिसिपेट होके उसका फ़ायदा उठाने के वास्ते उसमें नौकरी लेने के वास्ते कोशिश करने के लिए आने के लिए भी समझाया। और वो रजिस्ट्रेशन करके वो दिन में आके 20 तारीख वुमेन पुलिस स्टेशन छेलापुरा साउथ जोन में आके नौकरी का जॉब मेला में पार्टिसिपेट करने के वास्ते भी उन लोगों को समझाया। जॉब मेल में बहुत कंपनी आएगा उसके बारे में पुलिस उन लोगों का कुछ बैकग्राउंड इंक्वायरी करे से उस लोगों को कुछ चीट करना वैसा कुछ नहीं रहते। किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं होते। वो आपका दिमाग को आपका मेहनत को आपका सब बता के उन्होंने नौकरी हासिल करना पड़ता। और क्या तनख्वाह देता है क्या ड्यूटी से पूरा यहीं बता के उसमें कुछ चीटिंग नहीं होते हैं उसका फ़ायदा उठाने के वास्ते फ़ायदा लेने के वास्ते हम उन लोगों को समझाया। असली सोने की पहचान है नजाकत, खूबसूरत कारीगरी की मिसाल है नजाकत, खरे सोने का निशान है नजाकत, बदलते वक्त की मांग है नजाकत। नजाकत ज्वेलर्स, जहां आपकी पसंद का ख्याल रखा जाता है। रूबी, एमेराल्ड, अल्मास एंड डायमंड के दिलकश जेवरात जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाए। 100% BIS 916 हॉलमार्क ज्वेलरी, नो मेकिंग चार्जेस। दुनिया भर के 7500 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है जो आपके दिलों को भाए। इतने खूबसूरत डिजाइन के जेवरात कहीं और न मिले। कारीगरी के असल मायने आपको नजाकत ज्वेलर्स पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेगा। नजाकत ज्वेलर्स, अपोजिट एप्पल हॉस्पिटल, 7 टॉम रोड, टूरी चौकी, हैदराबाद।